ब्रेक के बाद लगातार खबरों में आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। इधर रांची के जेएससीएस स्टेडियम में आयोजित अर्धवार्षिक मिड एनिकॉन वर्ष 2023 का समापन हो गया। झारखंड न्यूरोसाइंसेस सोसाइटी और एसोसिएशन ऑफ न्यूरोसाइंटिस्ट ऑफ ईस्टर्न इंडिया द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत बतौर मुख्य अतिथि रांची के प्रमुख न्यूरो सर्जन डॉक्टर एचपी नारायण ने दीप प्रज्वलित कर किया था। डॉक्टर एचपी नारायण ने एक न्यूरो सर्जन के रूप में 1967 से शुरू हुई अपनी सफल जीवन यात्रा के सुखद और ज्ञानवर्धक जानकारियों को चिकित्सकों के साथ साझा किया। कार्यक्रम के आयोजक सचिव और पारस अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर संजय कुमार ने बताया कि ऐसे कार्यक्रम से न्यूरोसाइंस के क्षेत्र में वृहद ज्ञान और नवीनतम तकनीक को जानने और समझने का सुअवसर मिलता है। कार्यक्रम में एक कार्यशाला हुई है, वर्कशॉप, जो कि न्यूरो नर्सेस और न्यूरो टेक्नीशियंस की उनको जो कैसे काम करना है न्यूरो पेशेंट्स के साथ में, ये वर्कशॉप पारस हॉस्पिटल में हुआ है अभी। और यहाँ पे पीजी स्टूडेंट्स और अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इन दोनों की पोस्टर प्रेजेंटेशन हुई है और उसको फिर हम लोग जो बेस्ट पोस्टर्स होंगे उनको अवार्ड भी दी जाएगी। तो काफ़ी तादाद में स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है और आज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको डिस्कशन किया गया है उसमें जितने लोग भी डेलीगेट थे उसमें एक इम्पॉर्टेंट माइग्रेन, सिर में जो दर्द होती है उसको लोग हर एक दर्द को माइग्रेन बोल देते हैं जबकि ऐसा नहीं है। अलग अलग हेडेक का अलग अलग कारण होता है। इस पर डॉक्टर गुंजन कुमार पटना के हैं, उन्होंने माइग्रेन के बारे में बताया और उसमें नई नई दवाइयाँ आई हैं। लोग सिर्फ पैरासीटामोल सैराडोन खा लेते हैं, कॉम्बिफ्लम खा लेते हैं लेकिन उससे काम होगा नहीं। तो ये जानना जरूरी है कि हेडेक का पैटर्न क्या है, इस पर डॉक्टर गुंजन कुमार ने जानकारी दी है। उसके बाद आज डॉक्टर उज्ज्वल राय ने ये बताया कि हाथ में जो पेन वगैरह होता है उसको अगर दवाइयों से ठीक नहीं होती है तो फिर हम लोग कुछ नर्व ब्लॉक्स वगैरह कर सकते हैं, कुछ बोटॉक्स इंजेक्शन से होती है, ऐसी बातों पर डिस्कशन हुई है। टॉपिक न्यूरोलॉजी का जो किसी भी न्यूरोलॉजिकल सोसाइटी में आज तक प्रेजेंट नहीं हुआ, डॉक्टर मोनालिसा गोस्वामी गुवाहाटी, वो 2 साल से उनका प्रोजेक्ट था स्पोर्ट्स इंजुरी, एनी स्पोर्ट्स, क्रिकेट, गोल्फ, किसी भी स्पोर्ट्स इंजरी में, वो ऑक्सफोर्ड का प्रोजेक्ट था, शी वॉज इन्वॉल्व विद दैट, वो कंपटीशन के स्टेज पे है। तो वो नया टॉपिक है कि स्पोर्ट्स इंजरी में न्यूरोलॉजिकल डैमेज जो होता है, जो नर्व डैमेज होता है उसका, उसको कैसे एवेल्यूएट करना है और कैसे उसको ट्रीट करना है, इस पर उन्होंने अपना पेपर दिया है। एंड ये फर्स्ट टाइम हुआ कि स्पोर्ट्स इंजरी में न्यूरोलॉजिकल इंजरी पे ये टॉपिक प्रेजेंट हुआ किसी भी न्यूरोलॉजिकल सोसाइटी में, एनएसआई में या न्यूरो ट्रामा में, कहीं भी नहीं हुआ। दिस इज अ न्यू टॉपिक।